हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कटहल के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अच्छी लगे थे मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखिए और कौन सी अचार की रेसिपी हम बना के डालें। फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम बाज़ार से आम लाए हैं और यहाँ पे पानी ले लिए हैं। आम को सबसे पहले हम पानी में अच्छे से धो लेंगे। तो ऐसे हम सभी आम को छील लेंगे और अच्छे से मलमल के धोने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सभी आम को एक कॉटन क्लॉथ में पोंछ के और इसे एक बॉल में रखते जाएंगे, क्योंकि हमें आम में बिल्कुल पानी नहीं चाहिए, इसके लिए हम ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। हमने सभी आम को पोंछ लिया है। अब हम एक पीलर की मदद से इसके छिलके हटा लेंगे। तो बड़ी ही सावधानी के साथ आप हटाइएगा, क्योंकि शार्प होता है, हाथ कटने का चांसेस रहता है। तो चलिए हम सभी छिलका हटा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी आम के छिलके हटा लिए हैं। अब इसका कटिंग हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी आम को अलग कर लिया है और गुठलियां को साइड कर लिया है। चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने जो बाजार से कटहल छिलवा के लाया था, उसको अच्छे से ऐसे पोंछ देना है, बिल्कुल डस्ट नहीं रहना चाहिए। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे। तो चाकू से हम इसका एक पतला सा स्लाइस निकाल लेंगे और इसको बारीक बारीक काटेंगे, क्योंकि अचार में कटहल की पीसेस बारीक बारीक होनी चाहिए। ऐसे हम सभी काट के आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कटहल के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और यहाँ पे आम के टुकड़े ले लिए हैं। अब हम आम के टुकड़े को एक मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा आम डालेंगे और दरदरा इसे हम क्रश करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने आम को दरदरा पीस रखा है। अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें अपने कटहल के पीसेस को डाल देंगे। और इसी में हम अपना आम का जो पेस्ट है उसे डाल देंगे। तो ऐसे हम आम का जो पेस्ट है उसे डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच नमक, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल लेंगे। और साथ में हम 2 टेबल स्पून हल्दी डाल लेंगे। ध्यान रहे, हमें कोई भी सामान हाथ से नहीं छूना है और हम चम्मच की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आम के साथ हमारा कटहल अच्छे से लिपट चुका है, साथ में हल्दी और नमक भी। तो इसे हम रात भर छोड़ देंगे और सुबह बाकी का इसका इंग्रेडिएंट्स हम डाल के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जैसे हमने बताया था कि कटहल में अपना आम का कुचा डाल के और रात भर छोड़ देंगे, तो इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर है और अपना कटहल भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब अगला प्रोसेस जो है मसाला तैयार करने का, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अचार की मसाला के लिए यहाँ पे 1 पाव सरसों ले लिया है। ये काला सरसों है, यहाँ पे आप पीला सरसों भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 100 ग्राम मिर्ची पाउडर ले रखा है। हल्दी कलर के लिए, स्वाद के अनुसार हम नमक यूज करेंगे। 50 ग्राम अजवाइन यूज करेंगे, ये मंगरेल है। अखा धनिया लिया है हमने 1 बॉल। थोड़ा सा हमने काली मिर्च ले रखा है। मेथी दाना, सौंफ, जीरा, हींग और सरसों का तेल यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ मसाला है जिसे हम रोस्ट करके उसे पीसेंगे, जैसे कि जीरा, सौंफ, मेथी और धनिया। साथ में हम कलौंजी भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसकी मॉइस्चर जाने तक रोस्ट करेंगे। और इसका पाउडर बना के हम आपको दिखाते हैं।
फ्रेंड्स, हमने बाकी के मसाले हटा रखे हैं और कुछ दाने जो हैं जिसे हमें रोस्ट करना है, जैसे कि मेथी दाना। तो चलिए हम इसे कढ़ाई में रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख रखा है और हल्का सा चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। मेथी को हमने कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल लेंगे ये अपना धनिया, इसे भी कुछ सेकंड हम हल्के हाथों रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमने धनिया भी थोड़ा रोस्ट कर लिया है, साथ में हम डाल देंगे जीरा। जी इसके साथ थोड़ा सा गरम करेंगे। हमारा जीरा भी थोड़ा सा भुन चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे काली मिर्च और साथ में हम सौंफ भी डाल लेंगे, क्योंकि ये सब थोड़ा सा हमें रोस्ट करना होता है, ज्यादा नहीं। तो सभी को हम रोस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने राई यानी कि सरसों को पीस रखा है। अब हम इसी मिक्सर जार में अपना ये रोस्ट किया हुआ मसाला पीस लेंगे। तो ऐसे हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सरसों में ही ये रोस्टेड मसाला डाल लेंगे, जिसमें है हमारा मेथी, धनिया, जीरा यानी कि बाकी सारे मसाले हैं, उसको मिक्स कर लेंगे। चलिए बाकी के मसाले हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसी में मिर्च पाउडर डाल लेंगे, हल्दी पाउडर डाल लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार हम डाल लेंगे और अपना जो मैंगरेल है उसे भी डाल लेंगे। साथ में हम अजवाइन डाल लेंगे, आधा ढक्कन हम हींग डाल लेंगे। अब हम इसमें अमचूर पाउडर डाल लेंगे, साथ में हम सरसों का तेल डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा ही तेल डालेंगे, बाद में हम अचार में भरने के बाद इसे डुबाएंगे। तो चलिए हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें से 2 चम्मच मसाला लेंगे और अपना कटहल का जो अचार बनाया है उसमें डाल देंगे। तो हम 1 चम्मच डाल दिए और ये 2 चम्मच, जरूरत हो तो आप और भी डालिए। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये खट्टे खट्टे रस में जब अपना मसाला भींगेगा इसका स्वाद बहुत ही बेजोड़ लगता है। अब हम ऊपर से ढेर सारा तेल डाल लेंगे, अचार तेल से ही बढ़िया पकता है। तो आप देखिए, जितना हो सके आप तेल डालिए और इसे धूप में 2 से 3 दिन तक अच्छे से पका के फिर हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अचार के लिए तेल उबाल रखा है और तेल को हम ठंडा होने देंगे, फिर हम अपने अचार में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने कटहल के अचार में मसाला डालने के बाद इसे 2 दिन धूप में दिखाया है, यानी कि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो सब निकल चुका है और हमने जो तेल गरम करके ठंडा कर लिया है उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर देंगे। तो जितनी जरूरत है उतना तेल हम इसमें डाल लेंगे और इसे इतना दिन धूप में पकाएंगे कि ये फिर से सॉफ्ट हो जाए और एक बढ़िया सा अपना कटहल का अचार बन के तैयार हो जाए। तो चलिए हम पकने के बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने अचार में मसाला डालने के बाद तेल डाला और तेल डालने के बाद भी हमने 2 दिन धूप दिखा लिया है। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए एक कितनी बढ़िया अचार तैयार हुई है। तो इसे हम एक प्रेस करके दिखाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। फ्रेंड्स, इसे हम और तेल डाल के बर्नी में भर के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अचार लेंगे और एक बर्नी लिए हैं जिसे हमने धो के धूप में सुखा रखा है। आप कभी भी अचार डालिए।